वेलकम। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सॉस की रेसिपी सीखेंगे। उसको आपने डेफिनेटली खाया भी है और पहले सुना भी होगा। उसका नाम है टार्टर सॉस। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्विक रेसिपी के साथ। और मैंने ऐड किया है 100 ml विनेगर को, और इधर मेरे पास मौजूद है बहुत ही बारीक कटे हुए अनियंस, कैरेट्स एंड क्यूकम्बर। मैं आपको इसका क्लोजर व्यू भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इतना ही छोटा, इसको आप वन बाय वन वेजिटेबल्स को ऐड कर देते हैं इस विनेगर के अंदर। सॉस काफ़ी टैंकी होती है, तो विनेगर इसके लिए बेस्ट है। कैरेट्स को डाल दिया, आप अनियंस को भी डाल देते हैं। और साथ ही ऐड करेंगे क्यूकम्बर्स। अच्छा, स्टर करते हैं। इस मिक्सचर को रख देंगे तकरीबन 1 to 1.5 hours के लिए इन रेफ्रिजरेटर। अगर सर्दी का मौसम है तो बेशक इसको बाहर रहने दीजिए। जितना अच्छा इन वेजिटेबल्स का विनेगर बनेगा, जितना अच्छा ये इसके अंदर सोखेंगे, उतना ही अच्छा टार्टर सॉस का रिजल्ट भी आएगा। चलिए इसको करते हैं सेट असाइड। अब एक बाउल लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे ऑलमोस्ट 2 tablespoons ऑफ मस्टर्ड। इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइस, 1/2 teaspoon सॉल्ट, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर एंड 1/4 teaspoon पार्सली। सॉस के अंदर ज़्यादातर जो ऐड होता है वो फ्रेश पार्सली ऐड होती है। अगर आपके पास फ्रेश पार्सली मौजूद नहीं है तो आप ड्राई पार्सली को भी ऐड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपने थोड़ी सी फ्रेशनेस ऐड करनी है तो आप इसके अंदर कोरिएंडर डाल सकते हैं। और तो कोरिएंडर का बहुत डिफरेंट किस्म का टेस्ट आता है, लेकिन जस्ट टू ऐड सम ग्रीन इन इट, सो यू कैन ऑलवेज ऐड 1 cup मेयो। सिंपल सॉस है, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये बेस्ट सर्व होती है चिकन टेंडर्स के साथ, फिंगर फ्राइड फिश के साथ। आप इसको किसी के साथ भी पेयर कर सकते हैं, और ये रेफ्रिजरेटर के अंदर भी इजीली स्टे कर जाती है फॉर अबाउट 1 to 2 weeks, बिकॉज इसके अंदर विनेगर शामिल है, लेमन जूस का एडिशन है, वो चीज़ों को प्रिजर्व करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे फ्रेशली स्क्वीज लेमन जूस। जो वेजिटेबल्स हमने सोक की थी वो तकरीबन 1 hour plus के लिए सोक हो चुकी हैं। अब इसको ऐड कर देंगे हमारे मिक्सचर के अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने देखा कि टार्टर सॉस तो बनाना कितना आसान है। इसको रेफ्रिजरेट करते हैं और इसके बाद जब ये चिल हो जाएगी इसको हम फिर मज़े से खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की आपको इतनी क्विक रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।